तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास कोई इंटीजर है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a। अब यहां क्या पूछ रहा है, यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो हमको या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिलना चाहिए वो इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये 3m या 3m प्लस 1, यहां यूज क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप याद कीजिए क्या था फॉर्मूला उसका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यदि एक इंटीजर a है उसको हम b से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता r, जिसमें क्वेश्चन होता है q। तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पे जो 3 है, 3 एक्चुअली आपका b है। तो यानी अगर a है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर a को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो a को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, या तो a को लिख सकते हैं 3q प्लस 1। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से a को हमने b से डिवाइड किया और q और ये इसका रिमाइंडर, या ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर 3 से छोटा होना चाहिए। तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या रिमाइंडर 0 हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं केवल 3q प्लस 0, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन फॉर्म में हम लिख सकते हैं a को। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए, इस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें जाए, तो यदि हम इसका स्क्वायर करें तो देखिए सबसे पहला केस हम लेते हैं। ठीक है, पहले लेते हैं तो इसको केस 1 लिख लेते हैं ना, केस 1। केस 1 में हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब a की वैल्यू है 3q प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है। तो यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो एक दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर एंड 3q प्लस 1 इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस b के फॉर्म होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 2 6 6q। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए, अब अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यदि 3 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यही बचेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, लेट 3q² + 2q = m, इसको हम मान लेते हैं m, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर एनी इंटीजर m, ये q की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर इस q की कुछ वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में तो कुछ ना कुछ वो नंबर आएगा, वो नंबर को हमने मान लिया है m, क्योंकि ये फॉर एनी इंटीजर m क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर इसको हम m मान लेते हैं तो हम a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3m + 1। ठीक है, तो ये पहले केस का हमने क्या देखा, यदि इसका स्क्वायर करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू m रखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में, किसको, a के स्क्वायर को। ये हमने किया केस 1 जब a था 3q प्लस 1। अब केस 2 करके देखते हैं, अगर 3q प्लस 2 होगा ये फॉर्म में भी तो हो सकता है a की वैल्यू, तब क्या आएगी वैल्यू, तब यहां करते हैं केस 2। देखिए अब लिखेंगे हम केस 2, यहाँ पे हम a की वैल्यू ले रहे हैं 3q + 2। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें इसका, a स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3q + 2 होल स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a
बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 9 क्यू स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 क्यू, और 12 इसको यहाँ सामने लिख लेते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, देखिए जो 4 है 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब आप पूछो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रूफ करना है ना, जब प्रूफ करना होता तो आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना है। देखिए 4 को अगर 3 प्लस 1 भी लिखेंगे तो भी 4 ही होगा वो, लेकिन कुछ प्रूफ करने के लिए हम इसको कुछ स्प्लिट करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ प्रूफ करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम इसको क्यों किया कि ये जो 3 नंबर हैं इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, इसलिए हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं इसमें से। अगर 3 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा ब्रैकेट के अंदर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और यहाँ प्लस 1। अब आप क्या करो, इसको अगर हम मान लेते हैं m, लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इक्वल टू m, ठीक है, इसको हम m किसी भी नंबर को आप मान सकते हैं, प्रूफ करना आपको, ठीक है। तो अगर इसको आप m मान लेते हैं तो देखिए क्या बन गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो फर्स्ट केस में भी उसका स्क्वायर करने पे 3m प्लस 1 का फॉर्म आ रहा था, सेकंड केस में भी उसका स्क्वायर करने पे 3m प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है, तो वो हमारा जो स्टेटमेंट वो प्रूफ हो गया। अब बस थर्ड केस के लिए देखें क्या वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड केस में है a इक्वल टू 3q, तो केस 3 लिखते हैं यहां पे, ठीक है। अब a जो है, a है 3q, अभी स्क्वायर करेंगे इसका दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर और यहाँ पे 3q का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब देखिए ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में नहीं आ सकता, अब किसी को भी m मान लो, प्लस 1 तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 9 को स्प्लिट कर दो 3 × 3q स्क्वायर ऐसे लिख लो, और ये 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट में है इसको हम मान लेते हैं m, लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a इक्वल टू 3m, ठीक है, तो a इक्वल टू 3m हो गया। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड केस में क्या आ रहा है, उसका जो फॉर्म आ रहा है इसका स्क्वायर का, दैट इज 3m प्लस 1, और ये वाला इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है 3m, तो वही हमें प्रूफ करना था। उसमें क्या लिखा क्वेश्चन में, या तो a जो पॉजिटिव नंबर है उसका जो स्क्वायर है या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और वो हमने इसमें प्रूफ कर दिया। तो आपको तीनों केस के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, ये हमने 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर 3 की जगह 4 होता तो उसमें 4 केस बनता, 4 की जगह अगर 5 होगा तो उसमें 5 केसेस बनेंगे, और पांचों केस का आपको स्क्वायर करके फिर चेक करना पड़ता।